सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में मुख्यमंत्री हिमाचल जयराम ठाकुर ने भाजपा द्वारा आयोजित आभार कार्यक्रम में करीबन 34 करोड़ की परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण किए। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल, पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप, वरिष्ठ नेता पुरुषोत्तम गुलेरिया, राजेश कश्यप और रश्मिधर सूद भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सोलन शहरवासियों के साथ धोखा किया, उन्हें नगर निगम के सब्ज बाग दिखाए और नगर निगम का तोहफा धर्मशाला को दिया गया, लेकिन भाजपा ने शहरवासियों की मांग को प्राथमिकता दी और सोलन को नगर निगम का तोहफा भी दिया। अब शहर विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री हिमाचल जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में 50 वर्ष तक राज किया, जिसमें शिमला तो नियमानुसार पहले ही नगर निगम बन चुकी थी। उसके बाद सोलन का हक छीनकर केवल धर्मशाला को ही कांग्रेस ने नगर निगम का तोहफा दिया। भाजपा सरकार ने 3 नगर निगमों का तोहफा हिमाचल वासियों को दिया और सोलन शहर वासियों का हक उन्हें लौटाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सोलन वासियों को नगर निगम बनाकर दी है, अब आप उसे जिता कर दें। कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही और सत्ता में रहने के बाद लगभग 50 साल का इनका शासन का यहाँ दौर था। एक कॉरपोरेशन शिमला और एक कॉरपोरेशन उसके बाद धर्मशाला। सोलन का हक बनता था, पहला पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा कहीं किसी इसमें जो है पॉपुलेशन के हिसाब से अगर कोई जस्टिफिकेशन बनती थी सोलन की बनती थी। सोलन वाले कहते रहे, मांग करते रहे, लेकिन आवाज सुनी नहीं थी। और हमने इस बार कहा सोलन तो बनेगी ही बनेगी और सोलन के साथ हमने 2 और कॉरपोरेशन यानी कि 3 कॉरपोरेशन सोलन, मंडी और पाना। और सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर के जो हम कह रहे हैं कि पिछले कुछ अर्से से हम देख रहे हैं, कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में जो डेवलपमेंट है उसको प्लान वे में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और केंद्र सरकार लगातार जो है शहरी क्षेत्र में विकास के लिए सिस्टमेटिक एक जो प्लान वे में जो डेवलपमेंट को गति देने के लिए बजट का प्रावधान लगातार। इस आभार कार्यक्रम से भाजपा ने नगर निगम चुनावों में अपना आधार स्थापित करने का पुरजोर प्रयास किया गया, जिसमें भाजपा काफी हद तक कामयाब होती दिख रही है, लेकिन इसके बाद कांग्रेस अब क्या दांव खेलती है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल नगर निगम किसकी बनेगी ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन भाजपा ने शहर में बिसात बिछाकर अपने पक्ष में लहर बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है।